बात के शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बातें कही थी, उसमें एक चीज़ छूटी है। ये वही मंडला है जिनके राजाओं ने सोने के सिक्के भी चलाए थे, जिनकी अपनी एक पहचान भी, लेकिन आज विकास की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं कटा हुआ है। आज जो कंपेयर करते हैं कि मंडला को छिंदवाड़ा से, मंडला को सिवनी से, या मंडला को जबलपुर से, हम उस मुख्य धारा के विकास के साथ में हम सभी वर्गों के सभी क्षेत्रों का विकास को हम विकसित कर सके, यही हमारी एक मंशा है। और एक जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी होती है, किसी एक वर्ग को लेके चलेगा तो संभव नहीं है, हमें सभी वर्गों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, सभी वर्गों का हमको सम्मान करना पड़ेगा, तभी एक, और यही नियम भी है एक जनप्रतिनिधित्व का। हम बैठे हैं मंडला की उस धरती पर जहां मां नर्मदा मंडलाकार बहकर हम पर आशीर्वाद लुटाती है। हम उस धरती पर बैठे हैं जहां आदिवासियों ने अपनी गौरव गाथाएं लिखी हैं, इतिहास साक्षी है, जहां तोप से रघुनाथ शाह और शंकर शाह को उड़ा दिया गया था 1857 की क्रांति पर। हम उस धरती पर बैठे हैं जहां आध्यात्मिक चेतना शंकराचार्य और मंडन मिश्र के रूप में जानी जाती है। जी हां, बात कर रहे हैं मंडला जिला, जो आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां अब चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। कल नामांकन दाखिल हुए हैं। अमूनन मंडला जिले में भाजपा और कांग्रेस ही वास्तव में चुनाव लड़ती है, और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन वह भी नाकाबिल है। आज हमारे बीच में एक ऐसे पूर्व विधायक जो अभी एक्टिंग में विधायक हैं, मौजूद हैं, डॉक्टर अशोक मर्सकोले, जो पहचान के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि उन्होंने पिछले चुनाव में फग्गन सिंह कुलस्ते के गढ़ और फग्गन सिंह कुलस्ते के भाई यानी राम प्यारे कुलस्ते को तकरीबन 35,000 वोटों से मात देकर कांग्रेस का झंडा निवास में गाड़ दिया था, जो कुलस्ते जी का वास्तव में गढ़ क्षेत्र है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने शायद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी का सोचा होगा और जिला मुख्यालय यानी मंडला विधानसभा सीट पर उन्हें भाग्य आजमाने भेज दिया गया। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या होगा, यह तो मंडला की जनता बताएगी मतदान करके। लेकिन डॉक्टर मर्सकोले हमारे साथ सीधी बात करने के लिए उपस्थित हैं। मैं सीधा सवाल उनसे दागता हूं कि डॉक्टर साहब, आखिर यह बताइए कि मंडला विधानसभा की जनता आपको क्यों मतदान करे, क्यों वोट दे। आपने अपनी बात के शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बातें कही थी, उसमें एक चीज छूटी है। ये वही मंडला है जिनके राजाओं ने सोने के सिक्के भी चलाए थे, जिनकी अपनी एक पहचान भी, लेकिन आज विकास की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं कटा हुआ है। आज इसी एक सोच की वजह से, इन्हीं व्यवस्थाओं की वजह से, जितना हमारा जो मंडला जिला जो डिजर्व करता है कि जो साधन संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी विकास के मुख्य धारा से, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार पलायन, चाहे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें, कहीं अभी कमजोर स्थिति में है। मैं सीधे आरोप लगाता हूँ, 18.5 साल से शिवराज सिंह जी की सरकार, बीजेपी की सरकार होते हुए भी विकास की कोई कार्य योजना ऐसी नहीं बनी है जिसके आधार पे बीजेपी यहाँ पर वोट मांगने की स्थिति में हो। मैं बात जो आप कह रहा हूँ कि इन्हीं विषयों को, कि जो मंडला का हक है, वाजिब हक है, मूलभूत व्यवस्थाओं को हम प्राथमिकता कैसे दे सके, उन्हीं प्राथमिकताओं के लिए मैं आज मंडला विधानसभा का मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और उन्हीं प्राथमिकताओं में आप हम सबसे, हम पहले भी जिन विषयों पर मैं बात कह रहा हूं, ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक है, और इन्हीं की लिए हम लड़ने के लिए आज यहाँ पर मंडला विधानसभा में आया हूँ। पहले मैं निवास विधानसभा में था, परिस्थितियाँ ऐसी थी, आप लोग सब परिचित हैं, कि मंडला विधानसभा कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा है, हाँ, तो शायद यही वजह है कि मुझे आज
मंडला विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ और ऐसा कि यहाँ से अब की बार कांग्रेस की सीट निकलेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यही हमारी उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ बंधी है कि हम अपने विकास के लिए एक अच्छा बजट मंडला ज़िले के लिए एक सुनियोजित तरीके से कार्य योजना के साथ में ला सकें और उन मूलभूत व्यवस्थाओं को जो कंपेयर करते हैं कि मंडला को छिंदवाड़ा से, मंडला को सिवनी से या मंडला को जबलपुर से, हम उस मुख्य धारा के विकास के साथ में हम सभी वर्गों के सभी क्षेत्रों का विकास को हम विकसित कर सकें, यही हमारी एक मंशा है। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर एक आरोप भी लगता है कि आप जातिवादी राजनीति पर ज़्यादा केंद्रित होते हैं और वैसी राजनीति आप बढ़ाते हैं, क्या कहना है? ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, कभी कोई बता दे लेकिन मतलब उदाहरण सहित कोई एक वाक्य, उदाहरण सहित कोई एक व्यक्ति कि जिसके साथ हमने कोई भेद किया हो, ऐसा कोई प्रकरण जिस पे हमने कोई पक्षपात किया हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप ब्राह्मण समाज से हैं, मैं आदिवासी समाज से हूँ, सब आदमी का अपना एक दायरा होता है सामाजिक कार्य क्षेत्र का। क्योंकि इससे पहले मैं सरकारी नौकरी में था और सामाजिक संगठनों से जुड़ा था, तो ट्राइबल राइट्स की बातें कहना वो एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरे वर्गों से हम अलग हैं, नहीं, जब विकास की बातें होती है तो हमको सबको मिल के एकजुट होकर हमको कार्य योजना पर अमल करना चाहिए और एक जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी होती है, किसी एक वर्ग को लेके चलेगा तो संभव नहीं है, हमें सभी वर्गों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, सभी वर्गों का हमको सम्मान करना पड़ेगा, तभी एक, और यही नियम भी है एक जनप्रतिनिधित्व का कि आप किसी को छोड़ नहीं सकते, आप किसी एक के साथ चल नहीं सकते, आपको सबके साथ चलना पड़ेगा और यही नियत है। मैं भी शायद ये बातें कोई कहता हो समझता हो, जो व्यक्ति सीधे मेरे से जुड़ा नहीं होगा, मुझे जानता नहीं होगा, मुझे समझता नहीं होगा, इसलिए ये बातें आ सकती है, लेकिन जो व्यक्ति मेरे से बात करता है, मुझे समझता है, हमारी बातों को समझता है, वो इन सब चीज़ों को सीधे तौर पे डिनाई कर देगा। मैं इसीलिए ये जो एक तो खड़े होकर हम माइक पे हम कई बातें कहते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से वो अलग विषय है, लेकिन हम बैठ के चर्चा करने के पक्ष में रहते हैं ताकि जो सोच का लेवल है, विचारों का लेवल है, एक बराबर रहे, हम अपनी बातों का, उनकी बातों का हम बेहतर तरीके समाधान कर सकें, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि मैं सरकारी नौकरी से सीधे विधानसभा से निवास चला गया था, शहरी क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से उतना संपर्क नहीं था, लेकिन अभी मुझे मौका मिला है शहर में आप सब लोगों के बीच में रहने का, चर्चा करने का, प्रतिनिधित्व का। ये छोटी मोटी जो बातें हैं वो सब जब साथ में रहेंगे तो उसका समाधान भी हो जाएगा और जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएगी। क्या सिक्स शेड्यूल के पक्षधर हैं आप? सिक्स शेड्यूल, मुझे लगता है कि सिक्स शेड्यूल की बात को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अभी जो बातें आई हैं प्रियंका जी ने, वो राष्ट्रीय नेता है, कई क्षेत्रों में कई प्रकार की बातें जो सीधे तौर पे विकास के मॉडलों के साथ में जुड़ी हुई रहती है, तो उन्हीं संबंध में जो बातें आई तो उन्होंने ये बात कहा है। ये फिफ्थ शेड्यूल वाला एरिया है, फिफ्थ शेड्यूल में भी हम आप सब बहुत सामान्य तरीके से रहते जीते हैं, क्योंकि जनसंख्या का विषय रहता है फिफ्थ शेड्यूल में। अब जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने पेशा किया है पेशा अधिनियम, ये क्या है, ये भी उस शेड्यूल का ही पार्ट है जो कि राजनीतिक रूप से आपका फायदा उठाने के लिए करते हैं। बात होती है हक की कि आप सभी वर्गों को समाहित करके कार्य योजना कैसे बना पाते हैं, बजट का आवंटन कैसे बना पाते हैं। जो जिस सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं उसमें एक सबसे बड़ा एक विषय है कि जिला परिषद या ये जो परिषद होता है, जिला परिषद में जो बातें आती हैं उनमें सभी वर्ग रहते हैं, जो है वो जो पारित कर देते हैं किसी कार्य योजना के लिए, तो उसका बजट का आवंटन सीधे तौर पे होता है, उसको प्रशासनिक लेवल पे बहुत ज़्यादा डिनाई नहीं कर सकते हैं। आज फिफ्थ शेड्यूल एरिया भी पिछड़े इसीलिए हैं कि बजट का डायरेक्ट आवंटन नहीं होने की वजह से प्रशासनिक तंत्र का ढांचा ऐसा होता है, तो ये सब बातें उनके बीच में आई होंगी। लेकिन इसको जहाँ तक मेरे उस पर कह रहे हैं, इसको समझा गलत तरीके से गया है होगा,
लेकिन मेरा अपना मानना है हम सब वर्गों का सम्मान करते हैं, और कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कहेगी कि एक बात करे और दूसरे वर्गों को नाराज करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब वर्गों का सम्मान के साथ में विकास के मॉडल को हम कैसे मुहूर्त रूप दे सकें, यही एक सोच के साथ आया होगा, और इसमें कहीं ऐसी किसी कोई इंटेंशनली कोई ऐसी बात नहीं आई हो कि जिसमें किसी का अहित हो, ये मुख्य बातें हैं। भाजपा विकास के मुद्दे पर लड़ रही है, उनका कहना कि उन्होंने समुचित विकास किया है, आपका क्या कहना? आज मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट है कि वो सुनियोजित तरीके से बहुत अच्छा विकास बनाएंगे। मैं बोल रहा हूँ 18.5 साल से क्या कर रहे थे, 18.5 साल से क्या कर रहे थे, इनको महंगाई, इनको पलायन, इनको बेरोजगारी, इनको शिक्षा, इनके स्वास्थ्य, इनकी स्थिति नहीं दिखी। आज मंडला की बात करें, ये बड़ी बड़ी जब बातें कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, हमारे मंडला के विषय जब 5 साल 7 साल चाहे वो जबलपुर मंडला रोड की बात कर लें, मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, रेलवे लाइन की बात कर लें, या अन्य यहाँ की व्यवस्थाओं की बात कर लें, यहाँ पर जो माफिया, जो चाहे रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, स्मैक हो, आप मुझे बताइए, इन मैं तो अभी 5 साल से प्रतिनिधि हूँ, इसके पहले मैं 15 साल से नौकरी में हूँ, बीजेपी ने कब धरना प्रदर्शन किया है या कब आवाज़ उठाया है? ये लोग सिर्फ सत्ता की मलाई खाने में लगे हैं, विकास की जो बातों से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनमें अधिकांश जो है कमीशन खोरी है, और यही वजह कि हम 50% की सरकार की बात कह रहे हैं। मंडला में क्या दिया है, किस आधार पर ये वोट मांगने आए हैं? अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी है ये 15 साल से प्रतिनिधित्व में है और लगभग 5 साल राज्यसभा भी रही है, इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं राज्यसभा का निधि का पैसा मंडला में कितना खर्च किए हैं, और ये विकास के मुद्दे पर इन्होंने क्या दिया है? मैं बातें बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन पंचायत लेवल पर आप जाएंगे तो लोग अपनी बातें अपनी तकलीफें बताएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि विकास की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं है। बेहतर है चुपचाप सामान बटोर लें और चले जाएं। नई सत्ता कमलनाथ जी के नेतृत्व में आ रही है, विकास का हम नया मॉडल यहाँ पर हम लॉन्च करेंगे, बहुत अच्छी सुशासन व्यवस्था हम लागू करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि निवास सीट में कांग्रेस ने वाकओवर दिया है? हमको तीनों सीटें जीतनी है, जिनकी बात कह रहे हैं या जिनके लिए आप कह रहे हैं, हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक बड़ा चेहरा आदिवासी नेतृत्व के रूप में जाने जाते हों, लेकिन मंडला में उनकी गहराई से पूरे मंडला क्षेत्र के लोग भली भांति हैं कि उन्होंने मंडला के लिए क्या किया है। जब 35 साल का हिसाब मांगने लग जाएंगे ना तो इधर उधर मुंह फेरते रहेंगे, कुछ नहीं किया है मंडला को पीछे करने में। ये विकास पुरुष अपने आप को बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये विनाश पुरुष है मंडला के लिए। क्या कहेंगे मंडला की जनता से? तीनों सीटें जिताएं, कमलनाथ जी की सरकार बनाएं, यही मेरा निवेदन है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, और जो मंडला जिले निवास मंडला विधानसभा के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर है, उनको हम विकसित करेंगे, एक विकसित जिला बनाने की कल्पना के साथ में मैं एक मंडला से एक विधायक प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि हूँ। मैं सबसे आप लोगों के माध्यम से मेरा निवेदन है कि हमारी बातों को समझें और हमें पूर्ण बहुमत से न सिर्फ यहाँ अधिक मतों से यहाँ पर मंडला में जिताएं, बल्कि मध्य प्रदेश में भी एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में सहयोगी बने, ताकि हम एक अच्छी व्यवस्था दे सकें। इस तरह आदिवासी जिले के विकास के मुद्दे पर आत्मविश्वास से लबरेज डॉक्टर अशोक मस्कोले ने सीधे अपील की है जनता से कि वे उन्हें जिताएं और मंडला का विकास देखें। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाने से नहीं हिचके हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।